दादाजी, नो टाइम। यस सर, यस सर, यस। हरिश्चंद्र जी नमस्कार। अरे भगत जी, आइए आइए, वेलकम। क्या बात है, मरीन लाइफ, समुद्री जीवन। हाँ बताइए, हमारे पोते के स्कूल का ये प्रोजेक्ट कैसा बन रहा है? अरे ये तो वर्ल्ड का बेस्ट प्रोजेक्ट बन रहा है, लेकिन सुबह सुबह। दरअसल इसका होमवर्क पूरा करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। वो क्या कि कल क्रिकेट मैच देखने में रह गए थे, सो भुगत रहे। जल्दी से सबमरीन चिपका बेटा, कलर मैं करता हूँ, टीचर को क्या पता चलेगा। अंगूठियों वाले दादाजी, स्काई का कलर कौन सा होता है? नीला। दादाजी आप क्या कर रहे हो? हरा। सॉरी दादाजी, ग्रो अप। प्रणाम अंकल। जीती रहो बहू, देख रही हो ना, 10,000 कर्मचारियों का बॉस एक बच्चे की आज्ञा का कैसे पालन कर रहा है। दादाजी चुप ठहरे। राहुल बस का टाइम हो रहा है। जी अंकल। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्रणाम अंकल। अरे आओ सुनील, खुश रहो। सॉरी डैड, मैं लेट हो गया, मैं वकीलों से फोन पे बात कर रहा था। नो प्रॉब्लम, बैठो बैठो। पापा, खाते समय अखबार पढ़ना अलाउड नहीं है। पापा, ओनली बिजनेस न्यूज प्लीज। बिजनेस के लिए पूरा दिन पड़ा बेटा, नाश्ता टाइम इज फैमिली टाइम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लो बेटा शुरू करो। अरे भावना, ये प्रेम कहाँ रह गया? वो तो सुबह स्क्वॉश की गेम के लिए निकल गया। भूल गए पापा? सॉरी सॉरी अंकल। पापा का बस चले तो हर वक्त इनके इर्द गिर्द मेला लगा रहे, कोई इनको छोड़कर कहीं ना जाए। यस, एक मिनट, कहीं आप छुट्टियों में राहुल के साथ मायके जाने की ग्राउंड तो नहीं बना रही हैं? पापा जल्दी आ जाऊंगी। भाई घर के 10 जेंट्स चले जाए पता ही नहीं चलता, लेकिन बहू और बच्चे चले जाएं तो पूरा घर सूना हो जाता है। भावना आई एम सॉरी, इस बार आप मायके नहीं जाएंगी। वर्ल्ड की इस परमानेंट समस्या का हल है मेरे पास। आप मायके भी जाएंगी और घर सूना भी नहीं होगा। वो कैसे? छोटी बहू रानी ले आइए। मैंने प्रेम के लिए बहू ढूंढ ली है। Be right back. Fast यार। ए बाली, लगता तू आज फिर हारने वाला है बेटे। बढ़िया मौका है, निकल ले। चुप, आज तो मैं ही जीतूंगा। Sorry guys, पापा ने ऑफिस बुलाया है, it's urgent, so I'll have to go. ओए, गेम तो कंप्लीट करके जा। तू जीता। Come in, son. That's okay. बाकी इतना जरूरी नहीं सर, आप बात कीजिए, बात कीजिए। पापा आज सब मुझे देखकर इतने खुश क्यों हैं? मैंने तो आज का गेम भी नहीं जीता। सब खुश इसलिए हो रहे हैं बेटा क्योंकि तुम्हारे लिए आज एक रिश्ता आया है। यू मीन शादी? इस साल तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, अब वक्त आ गया कि हम तुम्हारी शादी के बारे में सोचें।
आज भगत जी आए थे घर पर, उन्होंने तुम्हारे लिए एक लड़की सजेस्ट की है, पूनम नाम है उसका। पूनम के माँ बाप तो नहीं है लेकिन अपने चाचा जी की लाडली है। वो लोग मधुपुर में रहते हैं। भगत जी बता रहे थे कि बहुत अच्छे और सीधे लोग हैं। अगर तुम्हारी हाँ हो तो अगले संडे हम मधुपुर जाकर लड़की से मिल सकते हैं। और अगर कोई और लड़की हो जो तुम्हें पसंद है तो तुम खुलकर कह सकते हो बेटा। नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस शादी इतनी जल्दी। उम्र तो यही सही है बेटा, तुम्हारे भैया की शादी भी इसी उम्र में हुई थी। शास्त्रों में लिखा है, मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि इस उम्र में एक दूसरे का हो जाना, एक दूसरे का बन जाना बहुत आसान होता है। रिश्तों की जड़ें मजबूत बनती हैं, गहरी होती जाती हैं। पापा अभी तो मैंने अपना करियर शुरू भी नहीं किया, फैक्ट्री में ट्रेनिंग चल रही है। प्रेम हर इंसान को जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए प्रेरणा की जरूरत होती है, वो तुम्हारी जिंदगी में प्रेरणा बनकर आएगी। तुम्हारी जिंदगी के हर पल को तुम्हारे साथ बांटेगी, तुम्हारे दुख आधे कर देगी और तुम्हारी खुशियां दुगनी। तुम शायद सोच रहे होगे कि मधुपुर जैसे छोटे शहर की लड़की क्यों, पर बेटा तुम्हारी मां भोपाल के पास बैरागढ़ की लड़की थी, क्या उनसे बेटर कोई मां हो सकती थी तुम्हारे लिए? हम दोनों ने जिंदगी को भरपूर जिया, दुनिया देखी, तुम दोनों भाइयों को बड़े होते देखा, वो आज भी मेरे साथ है। आज जब नौजवानों में शादी से विश्वास उठते देखता हूं तो बहुत अफसोस होता है। तुम्हारी मां कहा करती थी कि शादी के रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी है एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट, ऑनेस्टी। आज के बच्चे इन शब्दों के मतलब भूलते जा रहे हैं। प्रेम, मैंने हमेशा तुम्हारी जनरेशन, तुम्हारी दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलने की कोशिश की है ताकि तुमसे तुम्हारी भाषा में बात कर सकूं। यू नो योर काइंड ऑफ पैशन, म्यूजिक, मूवीज। आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने पापा से भी कुछ सीखो। लड़की से मिलो, उससे बातें करो, देखो अगर तुम दोनों एक दूसरे को समझ सकते हो और फिर डिसीजन लो। और अब पूनम की फोटो तुम देखो, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं। भगत अंकल बता रहे थे जब पापा ने पहली बार इनसे शादी की बात की थी ना तो इनका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। क्यों? ओहो, बीवी यहां बैठी है, खैर वो तो जाने दो, लेकिन कम से कम एक बारी अखबार नीचे रख के यहां आके अपने भाई को कुछ सलाह तो दो। पता है प्रेम, जब ये पहली बार मुझे देखने आए थे तो क्या तैयारी करके आए थे, सवालों की पूरी लिस्ट रख के। भैया पहला सवाल क्या पूछा था? पहला सवाल वो यही पूछा था कि एक गिलास पानी मिलेगा, पहला भी यही और आखिरी भी यही। चाचू हाँ? क्या आप इनसे शादी कर रहे हो? क्या ये भी आपको गुड नाइट किस देगी जैसे मम्मी पापा को देती है? बदमाश। अरे कुछ भी कह देता है कभी भी। गॉट टू बी केयरफुल व्हाट यू से इन फ्रंट ऑफ दिस गाय। बदमाश, सोने का टाइम हो गया, चलो गुड नाइट।
बहुत बदमाश हो गया आजकल ना पापा। अरे अब कल का पेपर कहाँ लेकर जा रहे हो, रख दो वहीं। नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही, चल चल। और क्या जानना चाहते हो पूनम के बारे में? सुना उसे पढ़ने का बहुत शौक है। उनके यहाँ लड़कियां जीन्स ड्रेसेस ये सब नहीं पहनती, वो लोग बाहर रेस्टोरेंट्स में भी नहीं जाते। और हाँ, वहां शायद आपको शुद्ध हिंदी बोलनी पड़े। ओ ओ। मुझे पूनम पसंद है। भाभी जब मैं उससे मिलूंगा तो बात क्या करूंगा? घबराओ मत बेचारी, वो भी इस वक्त इसी उलझन में होगी।